तैयार करना चाहता हूं केरला की संसभा इस दम के साथ, मेरा कार्यकर्ता दमदारी के साथ वहां खड़ा हूं। तैयार करना चाहता हूं बड़ौदा का चुनाव, किन स्थितियों में हम लड़ने के लिए जरूर हुए थे और कितने अच्छे मतों के साथ वो चुनाव लड़कर आगे बढ़े। मेरे सिरसा के अध्यक्ष यहां बैठे होंगे, एलनाबाद का वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टीम के लिए किसी भयंकर चुनौती से कम नहीं। आधी सड़क भरी हुई थी विरोध करने वालों, और उस विरोध के बीच में उस चुनाव को प्रारंभ कर जीवन में शायद ऐसी जनसभा लोगों ने नहीं देखी हो कि एक तरफ जनसभा का एक मंच और सामने और मंच है, और ऐसी आमने सामने सभा के बीच में काम शुरू करके और 50,000 से अधिक वोट लेकर चुनाव में हम गए। आदमपुर की जीत, नगर पालिका नगर परिषदों की जिला 17 जिला परिषदों की विजय, तिरंगा यात्राओं से बदलता हरियाणा का वातावरण, और उसी समय जब मुझे काम दिया तो मैंने यहीं से कहा था कि हम संगठन को एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे, और मुझे आज मेरे कार्यकर्ताओं पर गर्व है कि वो संगठन को एक अलग लेवल पर लेकर गए। मैं कर्तव्य हूं आप सब, हृदय से कर्तव्य। आपने परिश्रम की पराकाष्ठा की, मुझे मालूम है मेरे समय पहले कार्यकर्ताओं ने एक समय की रोटी अपनी गाड़ी में लपेट कर, लेकिन मैं आभारी हूं मंच पर उपस्थित नेतृत्व का, उन्होंने भी साथ देने में कोई कसर नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री कृष्ण पाल जी गुर्जर, अरविंद शर्मा जी, सुभाष बराड़ा जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, मनीष सरोवर जी, इन सब हाथों को प्यार और आशीर्वाद की तरह से, और समय के साथ हर चीज को संभालते हुए ऐसे हम और बेहतरी की तरफ जाए इन चीजों को संभालते हुए, और हमने यहां तक की यात्रा। हमारे यहां संगठन में इस प्रकार का पर्व, जैसे पेड़ों पर नए कोपल नए पत्ते आते हैं, बड़े पेड़ फिर से खिल जाते हैं, ये पर्व हर 3 साल में लगभग हमारे यहाँ होता है, और आज उस नए पर्व के हम साक्षी बन रहे हैं। और मुझे इस बात का आनंद है कि नायब सैनी बहुत जबरदस्त कार्यकर्ता जोरदार है। शायद विनम्रता में मैं आकलन करूं तो शायद सबसे विनम्र है अभी, परिश्रम भी उसको हमने बचपन से करते हुए देखा। मैं हर बार कहता हूं कि ये हमारे गुरु भी है और हमसे सीखते भी। गुरु इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा, मनोहर लाल जी को भी कहा, मुझे भी कहा कि कंप्यूटर रखो घर में, कंप्यूटर सीखो, और इनको हमसे ज्यादा कंप्यूटर आता। हम इनसे पूछ लेते कि एक्सेल में कैसे काम करना, डाटा अलग कैसे करना, पेज मेकर में कैसे काम करना, पीडीएफ फाइल इसकी कैसे बनानी, कहीं भेजना है तो कैसे भेजें। लेकिन जब इन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता के नाते शुरू किया तो फिर बताने वाले हम भी थे, तो इनसे दोनों तरह का रिश्ता है। ये दोनों तरह का रिश्ता बड़ा गजब का हो, और सारे लोगों का रिश्ता केवल एक तरफा हो सकता है कि एक नहीं सीखा हो एक नहीं सिखाया हो, लेकिन यह सीखा भी और सिखाया भी, और बहुत ही मैं कहूंगा कि आपको नायब सैनी मेरे से ज्यादा मुस्कुराते हुए मिले। बहुत समय लेकर से मंत्रिमंडल में भी मेरे साथ भी, राज्य मंत्रालय इनका मेरे साथ ही था, वो भी साथ काम करने का सरकार का अनुभव है। सांसद के नाते भी आप अपना बेस्ट अपने कुरुक्षेत्र लोकसभा में दे रहे हैं। इस समय में मैं कहूंगा कि पार्टी को और आगे ले जाने 2024 को सफल बनाने में मुझे लगता है कि एक अच्छा चुनाव जो है वो नायब सैनी के रूप में हुआ है, और हम मिशन 2024 में सफल। एक बात कहकर मैं अपनी बात को पूरा करूं,
देखता हूँ राजनीति में बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारी पार्टियों में बहुत सारे कार्यकर्ता केवल राज सत्ता की लड़ाई के लिए और चालाकी पूर्ण तरीकों के साथ आगे बढ़ने के रास्तों पर चले गए। भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक दल और भारतीय जनता पार्टी के काम एक बहुत बड़ा समूह ऐसे कार्यकर्ताओं का है जिनकी श्रद्धा और आदर केवल भारत माता की जय है। मैंने ऐसे कार्यकर्ताओं को मेरे यहां काम संभालने से पहले यहां भारत माता की जय बोलते हुए और अपने इस पूरे कार्यकाल में बहुत श्रद्धा के साथ और आदर के साथ एक डिकेड दो डिकेड तीन डिकेड कई कई दशकों से पार्टी के कार्य मैं नायब चढ़ी से कहना चाहूंगा अपने नेतृत्व में ऐसे कार्यकर्ताओं का भरोसा बना के रखना, उनका भरोसा मत टूटना, उनके विश्वास को मत टूटना। चालाकियों से भरे हुए लोग सत्ता के निकट आएंगे, सत्ता में से लाख ये कार्यकर्ता किसी और पार्टी के पास नहीं है। इस कार्यकर्ता का भरोसा बना के रखना, इस कार्यकर्ता का विश्वास जीत के रखना, यही आग्रह आपसे करते हुए मैं आपके सफल कार्यकाल की आपको बधाई देता हूं।